आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं सेल स्टॉक के बारे में। ओवरऑल हमने कहा है कि इस स्टॉक में अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म के प्रोस्पेक्टिव से विद इन 15 डेज टू 1 मंथ के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो ये स्टॉक काफी वीक लग रहा है। ओवरऑल मेटल सेक्टर को देखेंगे तो कंटिन्यूअस सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है और आई होप कि जब हमने आपको 112 के आसपास के प्राइस पे कहा था कि इस स्टॉक में लॉन्ग करने से बचे तो श्योरली आप बच रहे होंगे। इस समय इस स्टॉक को देखें तो जो पहले एक मल्टी ईयर रेजिस्टेंस हुआ करता था इस रेजिस्टेंस पे ट्रेड हो रहा है जो कि अभी के टाइम में देखें तो ये एक सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो पहला लेवल 57, 55 और सेकेंड लेवल 52 तक के इजली लेवल्स आपको दिख सकते हैं। तो पर्सनली मेरा मानना रहेगा जब तक ये स्टॉक 78-80 के ऊपर का क्लोजिंग नहीं देता है तब तक के लिए इस स्टॉक को इग्नोर करें। पर्सनली मेरा व्यू शॉर्ट टर्म के लिए बियरिश या फिर कंसोलिडेशन हो सकता है। जब तक ये स्टॉक 80 के ऊपर का क्लोजिंग नहीं देता है तब तक के लिए लॉन्ग करने की गलती बिल्कुल नहीं करना चाहिए।